आज शुरू करते हैं रेखाएं तथा कोण। पहले भी पार्ट मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। तो बात रेखाएं एवं कोण नाम से शुरू हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, शुरुआत करेंगे बिंदु से। बिंदु सामने लिखा होगा और इस बिंदु का जो नाम लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है, मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हमेशा बिंदु का नाम लिखा जाता है, छोटे बिंदु लेटर से इनका नाम नहीं लिखा जाता, नंबर एक। अगर हमारे पास दो बिंदु है, ये तो हो गया बिंदु, इनकी परिभाषा आप लोगों ने लिख दी होगी। फिर आ जाएगा रेखाखंड। रेखाखंड कैसा आएगा, आपके पास एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, इन दोनों को अगर मिला दोगे तो ये कहलाएगा रेखाखंड। इनके दो अंत्य बिंदु हैं, अंत्य, ठीक है, अंत्य बिंदु मतलब अंत बिंदु कौन कौन से, ए तथा बी, इसके दो अंत्य बिंदु। और इसके नाम लिखने का तरीका है, कल हमने बताया था रेखाखंड, और इनके अंत्य बिंदु लिख के इसके ऊपर एक डंडा लगा देंगे। इसका मतलब ये, अगर ए बी और डंडा लिखा है तो आप इसको मन में रेखाखंड पढ़ा करेंगे, रेखाखंड ए, ठीक है। रेखाखंड का मतलब है कि इसके दो अंत। अगर हम बात करें किरण पर, तो किरण होगी जिसका एक अंत बिंदु होगा और एक दिशा में ये आगे बढ़ता है। ये भी हो सकता है एक बिंदु है और ये दूसरी दिशा में, या किसी भी दिशा में एक आगे बढ़ती जा रही है, जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वहां पे एक और बिंदु लिखा होगा बी, ठीक है। ये दिशा कोई भी हो सकती है लेकिन एक अंत बिंदु है, तो इसका नाम लिखने का तरीका है किरण ए बी और ये इसके ऊपर तीर लगा। पहले वो लिखते हैं जो अंत बिंदु होता है और बाद में वो लिखते हैं जो जिस दिशा में रेखा आगे ये किरण आगे बढ़ रही है उस दिशा में कोई भी एक बिंदु अगर इस पर होता वो बिंदु लिखते हैं तीर लगा। बेटा कहाँ देख रहे हो आप, खड़े हो जाइए, यहाँ देखो सर। अब किरण के बाद आएगी रेखा। जैसे किरण में एक दिशा है, रेखा दो दिशाओं में कितनी भी आप उसे बढ़ा सकते। रेखा का नाम कैसे लिखते हैं, कोई भी दो बिंदु ले लो इस पे, वो कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई पी जो चाहे बोल लो। तो इसका नाम जो लिखने का तरीका होगा वो होगा रेखा पी क्यू, इधर भी तीर, इधर भी। इसके अंत्य बिंदु नहीं होते क्योंकि ये कभी अंत्य नहीं होता इसमें, तो बढ़ती चली जाती है। इसका एक ही अंत्य बिंदु होता है, दूसरी दिशा में कोई अंत बिंदु, इसके दो अंत बिंदु, ये तो बेचारा बुद्धि बिंदु, इसके बारे में क्या बात है। बिंदु का नाम हमेशा बड़े अक्षर से लिखा जाता है, क्लियर हो गई ना। रेखा के बाद, बिंदु के बाद, रेखाखंड के बाद, किरण के बाद कोण। कोण का क्या होगा कि अगर आपके पास एक अंत बिंदु से, एक ही बिंदु से दो किरणें निकल रही, एक ही बिंदु से दो किरणें निकल रही, तो एक किरण में कोई बिंदु होगा, दूसरे किरण में कोई बिंदु होगा, इन दोनों किरणों के बीच में झुकाव है उसे हम कोण कहते हैं। जैसे कि ये झुकाव, ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये झुकाव कहलाता है कोण। नाम लिखने का तरीका, कोण पहले एक जहां बन रहा है, जो अंत बिंदु है, जो शीर्ष उभयनिष्ठ है, जिसे शीर्ष भी कहते हैं, वो बीच में, और बाद में दूसरी भुजा पे। इसमें शीर्ष कौन है, शीर्ष है बिंदु ए और ए एक्स तथा ए वाई क्या है, किरण। किरण तो है लेकिन कोण में क्या कहते हैं, लेकिन भुजाओं को तो निश्चित माप होती है, भुजाओं को निश्चित माप होती है। तो अगर हम इसका ये तीर हटा दें तो खाली इसकी माप जो है यहां से शुरू होगी एक्स ए, और किरण लगा दें तो भी हम उसे भुजा कह सकते हैं लेकिन उसकी माप अपरिमित होगी, ठीक है। तो आपके पास हम देख रहे हैं कि कोण में दो भाग हो गए, भुजा और शीर्ष, शीर्ष जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसे शीर्ष कहते हैं, और जो किरण या तो कभी कभी ये रेखाखंड भी होंगे, इन्हें हम कोण की भुजा। अब यहां से शुरू होगा कोणों के प्रकार।
न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है। कोण को डिग्री में नापा जाता है, चादे से नापते काहे चादर किस आकार का होता है सबके पास होगा। जैसे बीच में एक या तो छेद हो रहा होगा या निशान लग रहा होगा, यहाँ पर बीच में 90 डिग्री लिखा होगा, यहाँ 0 लिखा होगा और यहाँ 180 लिखा होगा, और यहाँ 0 अगर लिखा है तो यहाँ 180 लिखा होगा। यहाँ पर निशान बने होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 वाले बिल्कुल सीधे रेखा आ रही है, ठीक है, ये 90 आ गया। इसके बाद फिर हो गया 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, और इसमें इस तरह से ये कुछ कुछ चांदे होंगे जिसमें ये भी बनी हुई होंगी, लाइन बनी हुई है। तो अगर आपसे कहें 40 डिग्री का कोण बनाइए तो 40 डिग्री के कोण के लिए शीर्ष ये होगा जो बिंदु बीच में, तो आप वो रेखाखंड खींचोगे, चांदे को उठा के इसके ऊपर रखोगे और जो इसका बीच वाला बिंदु है उसे आप यहाँ रखोगे एक बिंदु पर, और ये वाली लाइन अगर इधर आ रही है तो जितने डिग्री पर आप निशान लगा दो, मान लो ये लगाया 30 डिग्री पर निशान लगाया था तो ये कोण कितने डिग्री का बन जाएगा, ये होता है चांदे की सहायता से कोण बनाना, क्लियर है। तो न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण की माप कोण को डिग्री में नापा जाता है। तो ये जो आपके पास चांदा है वो 0 डिग्री से शुरू हो रहा है और आगे बढ़ रहा है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, अगर मान लो 35 बनाना है तो 30 के बाद छोटे छोटे 5 गिन लो, क्योंकि हर 10 से 20 के बीच में 5 10 भागों में बटा हुआ होगा, है ना, और बीच वाले भाग पर लंबी डंडी खींची होगी, चांदे में सबको आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, न्यून कोण है ये माप के आधार पर होता है, न्यून कोण की माप 90 डिग्री से कम तथा 0 डिग्री से अधिक होती है। बना के हम दिखाएंगे तो न्यून कोण हमेशा जो बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री तो ये बना ना, ये हुआ 90 डिग्री, अगर इधर करेंगे ज्यादा तो 110 हो जाएगा, अगर इधर जाओगे तो क्यों, अरे इधर आगे बढ़े 80, 90 से ज्यादा हो जाएगा अगर ये दोनों सीधे नहीं है, ये दीवार आपकी 90 डिग्री पर खड़ी है, अगर 90 से ज्यादा होगा तो पीछे की तरफ जाएगी और 90 से कम होगा तो दीवार जो है वो 90 डिग्री पर खड़ी है, तो ये आप समझ सकते हो न्यून कोण किसे कहते हैं कि जो 0 से अधिक और 90 से कम। उसके बाद आएगा समकोण, समकोण की माप 90 डिग्री होती है, यानी एक ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, यानी ये होगा 90 डिग्री हमेशा इस तरह से, ये जमीन और दीवार के बीच का कोण 90 डिग्री, ये देखो कोणों पे ये 90 डिग्री, अंदाजा लग गया होगा ये भी 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह का निशान गोल निशान भी लगता है 90 डिग्री में, 90 डिग्री में ये वाला निशान लगता है, ये थोड़ा सा इस तरह, तो इससे आप समझ जाओगे कितने डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं हम, समकोण की एक और परिभाषा है, अगर किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी है, रेखा में तो किरण ऐसी खड़ी रेखा होगा उस पर बिंदु होगा, उस बिंदु को अंत बिंदु मानते हुए एक किरण खींचेंगे तो कहेंगे कि एक किरण जो है वो रेखा पर, ये रेखा हो गया ए बी, ये किरण हो गया ओ एक्स, और यदि इन किरण के दोनों ओर ये बनने वाले जो कोण है ये आपस में बराबर हो तो ये केस हो सकता है, भाई हमने ये रेखा बनाई एक ये कोण बना दिया, ये देखो न्यून कोण बनेगा 90 से कम है और ये क्या बनेगा अधिक कोण 90 डिग्री से, लेकिन अगर कोई कोण ऐसा हो जाए कि इधर भी उतना ही है जितना इधर, यहाँ तो कम ज्यादा है ना, इधर बनाओगे तो ये कम हो गया ये ज्यादा हो गया, एक बीच में ऐसा बना दिया कि जितना ये है उतना ही, ऐसे कोण को कहते हैं समकोण, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और 90 और 90 कितना हो गया, एक रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का ही,
और अगर रेखा पर कोई किरण पड़ी है और दो कोण अगर आपस में बराबर है तो प्रत्येक कोण समकोण कहता है। समकोण की परिभाषा ये भी होती है, यदि किसी रेखा पर मैं लिख देता हूँ परिभाषा, विशेष परिभाषा है, यदि किसी रेखा पर एक किरण से बनी आसन्न कोण बराबर है, मार्दल ले आसन्न कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण समकोण कहलाता है। आशा है समझ में आ गई होगी बात। प्रत्येक कोण समकोण तो ये संपूर्ण हो गया, आप नोट कर लेंगे, समझ में आ गई होगी बात आपको। नाइस से रहा होगा ये तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, बस। अब आ जाते हैं हम इससे अगले पर, अधिक हो कम
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक न्यून कोण बना रहा हूँ, पहले ये न्यून कोण बन गया एबीसी, इसमें ये वाला तो न्यून कोण है, ये इन दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण, ये भी तो दो भुजाओं के बीच बनना है, तो ये कोण 180 से अधिक है और 360 से कम है। 360 एंगल क्या होता है? संपूर्ण कोण। 5 ना हो गया, मैं जगह बना के कौन सा नंबर आया? 6 संपूर्ण। इसकी माप 360 डिग्री होती है। देखिए अगर आपके पास कोई रेखाखंड है, कोई किरण है, तो एक बिंदु पर बनने वाला संपूर्ण कोण ये कहलाता है संपूर्ण कोण, जो एक बिंदु के चारों तरफ बनता है, यहां से बनना शुरू हुआ और यहां ये विद्युत झुकाव है, इस कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। कितने डिग्री माप होती है इसकी? 360। कोई दिक्कत यहां तक? सब नोट कर लीजिए।